छन्नी गांव सेक्टर 5 है। लोगों ने सड़क के बीचों बीच में टेंट लगा रखे हैं, पूरा रोड कवर कर रखा है। कौन परमिशन देता है इसकी, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन ये तो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ते हुए, इससे काफ़ी लोगों को हरासमेंट होती है। जो सुबह काम पे निकलते हैं उन लोगों को हरासमेंट होती है, उनको रास्ते ही चेंज करके इधर उधर से जाना पड़ता है। और भी दृश्य दिखाएंगे आपको। तो छन्नी का सेक्टर 1 है, यहाँ पर गली के बीचों बीच में टेंट लगा रखे हैं, लोगों को इससे हरासमेंट होती है, लोगों को आगे पीछे से जाना पड़ता है। खबरों की सटीक वेन शर्मा स्पीक, मैं कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं रफ्तार जमुर। आज हम बात कर रहे हैं शादी मैरिज, किसी के घर में शादी है, क्या एक न्यूज़पेपर वाले को परेशानी हो सकती है, क्या एक डिलीवरी बॉयज को परेशानी हो सकती है, क्या एक दूध वाले को परेशानी हो सकती है, और जो लोग नौकरी पेशा रहते हैं सुबह सुबह जब वो सड़कों पर निकलते हैं और आपको आगे टेंट मिले कि उस रोड को पूरा कवर रखा है, क्या उससे आम जनमानस को दिक्कत हो सकती है। कहीं भी टेंट लगा लो, कोई भी रोड कवर कर लो, आखिर इसको देखेगा कौन। अगर किसी के घर में भी शादी है, वो कितने दिन तक वो लगातार टेंट लगा सकता है कि वो रोड को कवर कर ले, आखिर इसकी परमिशन कहाँ से ली जाती है। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी आम पब्लिक को दिक्कत हो सकती है, हरासमेंट हो सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस टॉपिक पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के घर में शादी है, उन्होंने रोड कवर कर रखा है, टेंट हाउस लगा रखे हैं सड़कों के बीचों बीच में, क्या लगता है आपको उसकी वजह से किसी और को दिक्कत हो सकती है आम पब्लिक को, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये सारा दृश्य आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी बने रहे रफ्तार जम्मू के साथ। जय हिंद।